हेलो गाइस, आज ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है हटके, क्योंकि आज मैं अपनी ब्लैक वर्ना 2018 थोड़ा रिव्यू करना वीडियो बना रहा हूँ। ये 2018 मॉडल जुलाई की गाड़ी है, क्योंकि फर्स्ट दिन अखनूर आई थी इन एम हुंडई अखनूर, और अभी तक शाइनिंग देख लो। इस पर मैं पॉलिश पुलिश लगाता नहीं हूँ, जस्ट ओनली फोम वॉश। कभी घर पे कराता हूँ तो नॉर्मल शैम्पू वॉश कराता हूँ। इसकी मैंने ग्रिल चेंज कराई है, देख सकते हो आप, प्लास्टिक की ग्रिल है, जिसकी नेम प्लेट मैंने नीचे लगवा दी हुई है। कि मैंने थोड़ी हेड टाइप स्मोक कराई हुई है ताकि ब्लैकिश लगे गाड़ी। इंटीरियर आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले थोड़ा एक्सटीरियर देख लो। इसकी ये बैक, इसके ऊपर स्पॉइलर लगा हुआ छोटा सा, वो ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। इसके पीछे वाली टेल लाइट भी स्मोक की हुई है ताकि थोड़ा ब्लैकिश लगे। और ये मेरा नंबर JK02CD0014, ये SX टॉप मॉडल पेट्रोल है। इसके अंदर अलॉय, जैसे कि आप देख सकते हैं, अलॉय चेंज है और टायर भी चेंज है। इसके अंदर शायद ट्रायंगल का टायर है, इसके अंदर 225x17 इंच का टायर डला हुआ है, और इसका अलॉय भी शायद 17 इंच का ही होगा। अभी आपको ले चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, पहले आपको पीछे से दिखाते हैं बैक सीट इसकी। इसकी मैंने बैक रेस्ट हैंड रेस्ट के पीछे से कटाई हुई था, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम लगा है वो बहुत हैवी लगा हुआ है, शायद ही किसी वरना में इतना हैवी सिस्टम लगा होगा। ये पीछे से इंटीरियर एकदम सिंपल है, इंटीरियर के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। आपको अभी स्पीकर तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये आगे वाली साइड है, ये क्रोन ऑडियो के सिस्टम लगा हुआ पूरा कुछ दिखता है। इसका डैशबोर्ड ऊपर से देखें तो ये रही इसकी स्क्रीन, और यहाँ पे कुछ ये मैं सिक्किम से लाया था जब मैं ट्रिप पे गया था, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया हुआ है जो कि मैं बाद में रिवील करूँगा। ऊपर है फर्स्ट एड बॉक्स, इसका ग्लव वो भी दिखाता हूँ फुल लोगो डॉक्यूमेंट के साथ। इसकी की पुश बटन स्टार्ट है तो वायरलेस की, और इसके साथ भी छोटी सी सिक्किम की निशानी है लाई मैंने। अभी आपको गाड़ी ऑन करके दिखाएंगे, अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। जस्ट वन पुश एंड देन स्टार्ट, इस समय गाड़ी हमारी एवरेज दे दी है 7.3 किलोमीटर पर लीटर की, क्योंकि अभी हम ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं, जस्ट मार्केट मार्केट से घर ब्लॉक बनाओ जस्ट, और अखनूर तक ये एवरेज कम ही देती है। अगर हाईवे पे लेके जाऊँ फिर 13-14 की एवरेज दे देती है, और 3 साल में चल चुकी है 17,839 किलोमीटर, जो कि बहुत ही बहुत बड़ी बात है इसके लिए। और ये मेरा स्मॉल हाउस, धूप तो बहुत ही, इसलिए मैं सोचा कि आज गाड़ी की गैरेज के अंदर जाके वीडियो बनाते हैं, कभी बनाई नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें JB ब्लॉगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।